तो मैं क्या करता था, अब हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए तो कुछ था नहीं, तो मैं ये बर्तन का जो लोटा रहता है उसमें कोयला भर देता था, गर्म कोयला, और उसी से कपड़ों को प्रेस करता था और पहन के जाता था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको पता है मैं जब जेल में थी तो मेरे पास स्त्री नहीं थी, और आपको पता है कि मेरे कोट लखपत जेल की मैं बात कर रही हूँ, मेरे कपड़े कैसे हम इस्त्री करते थे, वो जो फ्राइंग पैन था, एक चूल्हा था मेरे पास, उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गर्म करके तो मैं अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी। दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो में मोदी और ननी मरियम की सियासी सोच में कितनी सिमिलैरिटी पाई जाती है। कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसी अकल ननी मरियम में कहाँ। आर्ट्स मतें पढ़ने वाली ननी मरियम की भी मत मारी गई है। दूसरी तरफ मुल्क का सबसे बड़ा फ्राडिया और ड्रामेबाज शहबाज शरीफ लग गया टीवी पे आके रोने। बेचारा टीवी पे आके रोता जाता है और अपनी जेल की रुदात भी सुनाता जाता है कि जेल वाले किस तरह से मेरे साथ क्या सलूक करते रहे हैं और इमरान खान को क्या प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और रोज़ आके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नई भाषा सुनाता है कि किस तरह मैं इमरान खान का हमेशा के लिए किला कमा कर दूँ और ख़ुद पूरी ज़िंदगी के लिए मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठ जाऊँ। वाह जी वाह छोटे मियाँ साहब, क्या बात है आपकी, आपकी कौन सी कल सीधी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो नए लोग आए हैं हमारे इस चैनल पर, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको इन टाइम मिल सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए किस तरह मुल्क का वज़ीर दफा ख्वाजा आसफ इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर तनकीद कर रहा था जैसे ही इसको फौज की तरफ से पर्ची मौसूल हुई। साथ ही अपनी उठी बंद करके भीगी बिल्ली बन गया और बेवकूफों की तरह आए बाए शाये करने लगा। वीडियो देखिए जरा कि ये दौरा में यार जो है वो क्यों है। ये हमारी दफा ना सुओ मोटो होता था ना इंसाफ की जो हिस्स है वो जागती थी। अब पता नहीं ये दो रातें किस तरह इन्होंने कड़ ली हैं। इन्होंने उसले को 15 मिनट क्यों नहीं इंसाफ देता गया है। तो ये मैं रुको जरा सबर करो। आप लोगों ने कोई सवालात करने हैं तो मैं हाजिर हूं। लें जी दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ औरत की बोंगियां सुन लें और इसकी इन गरम गरम बोंगियों को लपेट कर हॉटपॉट में रख लें ताकि बवक्ते जरूरत हमारे काम आ सके। मरियम औरंगजेब को आप देखें, पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर वो छाई हुई है। अजमा बुखारी आपके सामने बैठी है, हिना बट आपके सामने बैठी है, मरियम नवाज आपके सामने बैठी है। मरियम नवाज, और मैं अपनी बात आपको बताऊं कि मैं एक बहुत कन्वेंशनल और बहुत जिसको कहते हैं कि ट्रेडिशनल, और आज मैं तो कभी कभी मुस्लिम लीग नून के जितने सीनियर लोग हैं मैं उनको छेड़ती हूँ, चाहे वो राणा सनाउल्ला साहब हो या वो एहसन इकबाल साहब हो। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, लेटली आपको एहसास होता है कि जब आप बात करती हैं या कर जाती हैं, यार ये नहीं कहना चाहिए था, ये जरा ज्यादा होगा, ये ओवर डिड इट। मुझे तो कभी एहसास नहीं होता। अच्छा, ये नहीं मुझे नहीं होता। अबे मुंह की खिड़की बंद कर, नहीं तो तेरे को करंट में हाउसफुल दे डालता हूँ। जब वो भौंकती है तो वक्त रुक जाता है, जब वो ललकाती है तो दुश्मनों की कांपें टांग जाती हैं। मेरी और आपकी चोरों की नानी मरियम नवाज, सुनिए नून लिगी कारकुन जलसे में अपनी बोंगी कायद की सच्ची और खरी तारीफ करते हुए। जब वो भौंकती है तो वक्त रुक जाता है, जब वो ललकारती है तो दुश्मनों की टांगे कांप उठती है। मेरी और आपकी शेरनी मरियम नवाज। वाह दीदी, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
ले जी इस वीडियो में देखिए, नून लीगी पटवारी रो रो कर दहाइयाँ दे रहे हैं, अब बस हो गई है नवाज शरीफ, दवाई लेकर जल्दी वापस आ जाओ, नवाज शरीफ तुझे अल्लाह का वास्ता है। हमारी बस हो गई है, अब नवाज शरीफ आ जाओ। ले जी अक्लमंद खड़े और सियाने सहाफ़ी ने नवाज शरीफ का कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। मुंह पर 6 बार थप्पड़ खाकर सीधे रास्ते पर चलने वाले इस बोंगे सहाफ़ी की भी सुन लें। अगर मेरी बात गलत है तो मियां साहब मैं आपके सामने हाजिर हूं, मैं टीवी में बैठकर टेंट कराऊंगा अगर मेरी बात गलत है तो। आप 1980 में रेलवे में बतौर कुली आप भर्ती हुए थे, आपने बतौर कुली तनख्वाहें ली थी रेलवे में और फिर आप रेलवे की क्रिकेट टीम से क्रिकेट भी खेले थे। तो जी, सही बात है। जी आरफ भट्ट और सईद भट्ट थे वहाँ। जी जी बिल्कुल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डिनटॉनिक वाले बांदर की भी सुन लो भाई, हर वक्त शेप बनने के चक्कर में बेचारा डिनटॉनिक वालों का बांदर बन बैठा, इसकी सुननी बनती है, वीडियो देखिए जरा। ओ यूथियो, शेर ते एक नहीं मान हुंदा, असी ते दो आ। ओ वाड़, तुहानू किसे गलत फहमी पाई है, शीशे दे विच शकल वेख, तुहाडी शकल ती है शेर नाल नहीं, शेर जमान पार्क च बैठा, इमरान खान जिंदाबाद, तुहाडे आला पगोड़ा उमरा करके फिर लंदन गया, पाकिस्तान नहीं आया, ऐंदा नहीं कहना शेर नाल ने, ठीक है, लव यू हो गया पीटी। इस वीडियो में देखिए एक सहाफी बाजी मरियम से कह रहा है कि बाजी मुल्क पहले ही कर्जों में डूबा हुआ है और आपके चचा जनाब खादम पाकिस्तान का शकोल हाथ में पकड़कर पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं और आप एक बार फिर कौम के पैसों से सर्जरी करवा आई हो, कोई शर्म होती है कोई हया होती है, वीडियो देखिए जरा। वेलकम मैडम, लोग सर्जरी को लेके बहुत बातें कर रहे हैं, कहते हैं इतने पैसे लगा दिए सर्जरी पे, हमें महंगाई में छोड़ दिया कुछ हमें। तो अब मैं बाहर जाके भी कुछ बोलूंगी ना, ये सब इधर ही बोल दूं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की अच्छी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।